हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले 8A और 8A प्रो के चार्जिंग सेक्शन के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं हो रहा है तो आपको ये चार्जिंग यहाँ पे देख लेना है, वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कहाँ से नहीं आ रहा है वोल्टेज। यहाँ से वोल्टेज जो है हमारा चार्जिंग बोर्ड से सीसी से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है क्या बराबर, तो ये सब आपको चेक कर लेना। अगर वोल्टेज आ रहा है बराबर तो इसके आगे वाली लाइन आपको चेक कर लेनी है। अगर हो सकता है आपके फ़ोन में ऐसा भी होता है, कई बार आपने चार्जर लगाया और आपका चार्जर शॉर्ट हो रहा है, तो उसके इसमें क्या होता है, एक तो पिन भी ख़राब रहती है, दूसरा ये जो है ये आईसी के पास जो कैपेसिटर लगा है ये ख़राब रहता है, कई बार ये भी होता है। तो ये सब आपको चेक कर लेना है। आपको चार्जिंग का ये तो बता दिया मैंने कहाँ से कैसे क्या वोल्टेज आता है। यहाँ से जो हमारा चार्जिंग का वोल्टेज आता है 5 वोल्ट, और यहाँ से इसके थ्रू होते हुए ये पॉइंट के थ्रू होते हुए और ये इस कैपेसिटर में होते हुए या आईसी के थ्रू होते हुए यहाँ जाता है। अगर यहाँ से सप्लाई यहाँ तक क्या आ रहा है, अगर यहाँ से सप्लाई यहाँ आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको यहाँ से एक बाईपास जम्पर यहाँ पे मारना पड़ेगा, यहाँ से जम्पर उठा के यहाँ मारना पड़ेगा, तो आपका जो वोल्टेज है वो आईसी के अंदर जाने लग जाएगा। अगर तब भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होता है तो आपको ये 2 पॉइंट और चेक कर लेने हैं जो पीसी के लिए कनेक्टिंग में यूज़ आते हैं। ये 2 पॉइंट, ये जो सीपीयू में जा रही है लाइन और कुछ आईसी की पावर आईसी में भी जा रही है चार्जिंग आईसी में, तो ये लाइन भी कई बार फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करती है। अगर ये दोनों में से एक भी ट्रैक डिस्कनेक्ट रही है, दोनों ट्रैक में से येलो एंड ग्रीन ट्रैक में से, तो भी आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। तो आपको ये भी दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है। और तीसरा पॉइंट, ये बैटरी कनेक्टर के चारों पॉइंट आपको ये भी चेक कर लेने प्रॉपर है कि नहीं कनेक्शन ये वाले, ठीक है। ये भी आईसी में जा रहे, अगर आपकी आईसी से ये वैल्यू नहीं आई आगे से तो भी आपका फ़ोन इस केस में चार्जिंग में इशू करेगा, या तो डायरेक्ट बैटरी चार्जिंग फुल बताएंगी 100%, जो भी एक्स वाई जेड रीज़न आ सकते हैं। तो अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ मैं, ये जो हमारा पीसी कनेक्टिंग वाला जो पॉइंट है ये वाला है जो मैंने आपको बताया था पीसी कनेक्टिंग के लिए ये पॉइंट यूज़ होते हैं, और ये इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे गए फर्स्ट वाले पॉइंट पे, और मदरबोर्ड में हमारे यहाँ पे गए फर्स्ट वाले पॉइंट पे। तो इसके थ्रू होते हुए सीपीयू में गई हुई है 2 लाइन, और 2 लाइन पावर में गई हुई है कंपोनेंट के थ्रू होते हुए। तो बस आज के लिए यही था, आई होप आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।